हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस में। सो गाइस, आज के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज भी हमने कुछ स्टूडेंट को अपने साथ जो है कनेक्ट किया है और उनसे लाइव जो हमारी क्विज चल रही है, लाइव प्रतियोगिता चल रही है, उसमें सबको ज्वाइन किया है। तो आज भी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस कराएंगे और जगह जगह पूरी इंडिया से हमारे साथ स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोगों को नीचे डिस्कशन बॉक्स में फॉर्म दिया गया है, आप उस फॉर्म को फिल करके इसी टाइप से अपना क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। तो इस सभी की जानकारी, जिन भी स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है उनकी जानकारी हम आपको टेलीग्राम पर देने हैं। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वहां पर टाइम बता दिया जाता है कि इससे इस टाइम आप सभी का जो आपने टाइम स्लॉट सेलेक्ट किया है उस टाइम स्लॉट के अंदर आपका जो है टेस्ट जो है क्विज होने वाला है। ठीक है, तो आज जो हमारा सेकंड एपिसोड है, इससे पहले हमने फर्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिया चैनल पर। अगर आपने वो नहीं ज्वाइन किया है या वो नहीं देखा है तो उसको देखें, काफी इंटरेस्टिंग है और आज का भी काफी इंटरेस्टिंग हमने बनाया है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही आप हमें लाइक और सपोर्ट करते रहें, जैसे हमने आपने हमारा जो है फर्स्ट एपिसोड लाइक और सपोर्ट किया, तो इसी टाइप से हम आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू एपिसोड को। खन्नाया, मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं मतलब स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। अच्छा, स्टडी के साथ आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं। नवीन खन्ना नाम है आपका, देहरादून से बिलोंग करते हैं आप? जी जी, देहरादून उत्तराखंड। बहुत अच्छा। तो अभी हमारे चैनल के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं बताइए। सर जी, मुझे आपके चैनल के साथ डेढ़ दो साल हो गए, कम से कम डेढ़ दो साल हो गए। और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? एग्जाम जो भी होते हैं सर, आईटी बेस पे मैं सारे फॉर्म भरता हूँ। अच्छा, अभी यूपी ये मैं का भी दिया था, मैंने यूपी मेट्रो का भी दिया था। अच्छा, यूपी मेट्रो का भी दिया था। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तीन से चार पांच क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि अभी और बच्चे भी पेंडिंग है। ठीक है, तो आप उनका जवाब ले लीजिए। सिंपल क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या ध्यान से पढ़िए कि कास्टिंग जॉब को लेथ में मशीनिंग करते समय पकड़ा जाता है, किसमें पकड़ा जाता है बताइए। कास्टिंग जॉब फोर्जर चक में। फोर्जर में, तो कास्टिंग जॉब कौन से होते हैं बताइए जरा। कास्टिंग जॉब सर जैसे रफ सतह होती है, जो रफ जो होते हैं वाले, हाँ, जो कास्टिंग करके बनाए जाते हैं, मेल्टिंग करके बनाए जाते हैं, वो हमारे फोर्जिंग फोर्ज होते हैं ना। तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्जर के, बी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। जी जी, एक और क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके साइड में आवाज ज्यादा आई है। चलिए, एक क्वेश्चन और है, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैपिंग क्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है, बताइए इसका आंसर। कठोर धातु के लिए, नॉन फेरस मेटल के लिए, हार्ड स्टील के लिए या उपरोक्त सभी? लैपिंग के लिए सर, नॉन फेरस मेटल के लिए हम यूज करेंगे इसका। बिल्कुल राइट आंसर आपका। तो लैपिंग के लिए जो एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव है उसका प्रयोग हम नॉन फेरस मेटल पे करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, नॉन फेरस मेटल कौन से होते हैं? नॉन फेरस मेटल ये होते हैं सर, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, जिसमें मतलब हम लोहे की मात्रा नहीं होती सर उसमें। हाँ बिल्कुल सही, गुण नहीं होता। एक सिंपल सा लैंग्वेज में अगर आपको आंसर देना हो, जिसमें लोहे के गुण या लोहा नहीं पाया जाता, वो हमारे नॉन फेरस मेटल होते हैं। नॉन फेरस मेटल होते हैं, जैसे कॉपर है, लेड है ना, टिन है, ये सब हमारे नॉन फेरस मेटल आते हैं। बहुत अच्छे। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में भाग रिवर्सेबल होता है, कौन सा भाग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का रिवर्सेबल होता है, रिप्लेसेबल लिखा है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एनविल, स्पिंडल, रैचेट स्टॉक या लॉग नट? स्पिंडल। बताइए इसका आंसर। लॉग नट सर। लॉग नट जी सर, इसमें लाइफलाइन देना चाहता हूँ। लाइफलाइन 50-50 लाइफलाइन है जी। लाइफलाइन में दे देता हूँ आपको, इसमें लाइफलाइन में मैं दो ऑप्शंस रॉन्ग मिटा रहा हूँ और दूसरे ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑप्शंस ए है एनविल और ऑप्शन सी है स्पिंडल, क्या लगाएंगे इसका? एनविल सर। एनविल, एनविल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी जी, हाँ ये होता है इसका आंसर। लोक नट से कोई फर्क, लोक नट का नहीं है इसका, इसका ए आंसर है एनविल। ठीक है,
कोई बात नहीं, जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपके सामने, लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल को खालिस्तान ड्रिल भी कहा जाता है, क्या कहते हैं ट्विस्ट ड्रिल के बताइए? काउंटर स्विंग, सेंटर, स्पाइरल फ्लूटेड या फिर पायलट? स्पाइरल फ्लूट ड्रिल। स्पाइरल फ्लूटेड ड्रिल पढ़ा है आपने कहीं क्वेश्चंस? जी सर। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर। स्पाइरल फ्लूटेड क्या मतलब हुआ इसका बताइए जरा सर। इसके जो फ्लूट बने होते हैं स्पाइरल बने होते हैं सर, स्पाइरल कट, स्पाइरल का, हाँ स्पाइरल घुमावदार होते हैं ना, स्पाइरल घुमावदार होते हैं जी। बिल्कुल सही आंसर आपका। चलिए एक और, एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। चलिए क्वेश्चन देखिए सामने, क्वेश्चन था कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस में भी आता है क्वेश्चन, टेक्निकल में भी आता है। बैटरी बनाने में, हाँ क्या इसका आंसर होगा? सर ध्यान नहीं आ रहा सर इसमें। ऑप्शंस में देखिए क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और फिर नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल। क्या आंसर होगा बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल मारूंगा इसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड लगाएंगे। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ए ही राइट आंसर होगा। इतना आपने सोच, मतलब आपने क्या कंफ्यूज था या समझ नहीं आया? इसमें कंफ्यूज हाइड्रोलिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में कंफ्यूज हो जाता हूं सर, इसका ना थोड़ा डाउट था हाइड्रोलिक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक, हाँ हाइड्रोलिक अम्ल नहीं होगा, हाँ इसका जो आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, जी जी, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और साइंस में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, से टेक्निकल में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने, चलिए एक लास्ट और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है जी सर। चलिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि रस्सी के दूसरे भाग के रूप में जाना जाता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं हमसे, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। और आंसर ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन में लूप है, बाइट्स है, नोट है या फिर राउंड टर्न है। क्या इसका आंसर होगा बताइए? रस्सी के भाग के बंधन को रस्सी के दूसरे भाग के रूप में जाना जाता है, व्हाइट, राउंड टर्न, नहीं पता आपको आंसर? नहीं सर। ठीक है देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, उसको हम बोलते हैं नोट, नोट मतलब गार्ड। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे ना आप, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है देखो, कि रस्सी के एक भाग के बंधन को रस्सी के दूसरे भाग के रूप, रस्सी का कोई भाग है उसका बंधन, उसको बंधन हो रहा है, वो जुड़ रही है एक प्रकार से, तो गांठ लग रही है उसका, है ना, तो उसको हम नोट बोलते हैं, ठीक है। तो उसका दूसरे दूसरे जो भाग के रूप में हम जानते हैं उसको हम नोट के रूप में जानते हैं, ठीक है। बंधन मतलब एक प्रकार से जुड़ना, एक चीज जो किसी रस्सी को बांध दिया है ना, तो इसका आंसर हमारा सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ओके थैंक यू। झारखंड से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से दोबारा बताइए, दोबारा बताइए। मेरा नाम निर्मल ठाकुर है, मैं कोटा झारखंड से बोल रहा हूँ। ओके अच्छा ठीक है, अभी आप क्या करते हैं सर? अभी मेरा आईटीआई का सेशन 18-20 है, जो की एग्जाम नहीं हुआ है सर, निश्चय अच्छा। मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा तैयारी कर, अभी आप हमारे चैनल से हमसे कब से जुड़े हुए बताइए सर? पिछले 2 महीने से मैं आपके चैनल से जुड़ा हुआ सर, और मैंने कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया, लेकिन मैंने आपका बुक परचेस किया जो अभी नहीं आया है, 2 दिन में आ जाएगा सर। अच्छा बुक परचेस किया है, बहुत अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा बढ़िया काम किया। मैं आपका आपका जो वीडियो है सर वो देखता रहता हूँ हमेशा सर, तो अच्छा काफी अच्छा लगता है। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो निर्मल ठाकुर जी है ना, तो अभी जैसे कि आपको बताया ना, अब हम आपसे क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, है ना, और ज्यादा कठिन क्वेश्चन, इसलिए मैंने ज्वाइन किया सर। हाँ बहुत अच्छा किया, मैं आपको देख रहा था कि मैसेज आपके कंटिन्यू आ रहे हैं, आपको थैंक यू सर, मौका देने के लिए थैंक यू सर। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको ना क्वेश्चन सेंड करूंगा, आपकी स्क्रीन पर आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको केवल आंसर देना होगा क्वेश्चन का, ठीक है जी सर। चलो बहुत अच्छे, चलिए एक सिंपल क्वेश्चन है,
देखिए सामने आपके स्क्रीन पर आएगा। इस क्वेश्चंस का आंसर बताइए मुझे क्या होगा। क्वेश्चंस क्या है ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चंस है कि ऑटोमोबाइल शाफ्ट पर निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अभी पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें भी एक टाइप का क्वेश्चंस लिया गया था। चलिए ऑप्शंस पढ़ देता हूं, ऑप्शंस पढ़ देता हूं कि टेपर की, जिब हेड की, होलो सैडल की एंड वुड रफ की। वुडरफ की सर। वुडरफ की, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो वुडरफ की इसका राइट आंसर है। अभी क्वेश्चन पढ़ा आपने? जी सर क्वेश्चन पढ़ा सर। अभी आपने, हमने जो कल वीडियो डाली थी वो भी देखी थी वो वीडियो? हाँ सर कल मैंने देखी थी सर, इसलिए मैंने ज्वाइन करने का। उसमें भी हाँ, उसमें भी कोई हमने क्वेश्चन दिया था, वहां पे भी बताया था कि ना वुडरफ की का जो आकार होता है जो सेमी सर्कुलर होता है, मतलब अर्धवृत्ताकार होता है ना। जी सर जो गुजरात वाले भैया थे वो बताए थे। हाँ 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 बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी टाइप से ना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे अभी। जी सर चलिए सिंपल क्वेश्चंस हैं, और चलिए क्वेश्चन सामने होगा आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चंस क्या है कि थ्रेड की जड़ और शिखा के बीच भाग का क्या नाम है, स्क्रू थ्रेड की बात। ऑप्शंस में क्या है, रूट हेड, प्लैंक का डेप्थ एंड थ्रेड एंगल। फ्लैंक सर। फ्लैंक कहते हैं, कंफर्म है? जी सर कंफर्म है सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो फ्लैंक ही इसका राइट आंसर होगा। फ्लैंक का दूसरा नाम बताओ क्या, उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं फ्लैंक को, अगर फ्लैंक ना लिखा है तो एग्जाम में क्या लिखा सकता है? सर ये पता नहीं है सर, मैंने फ्लैंक ही पढ़ा है। फ्लैंक या फिर साइड लिखाता है ना, या तो फ्लैंक लिखा है या फिर साइड लिखा है। बहुत अच्छा, आपने दोनों क्वेश्चन के अभी तक जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। चलिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए। क्वेश्चन है कि एक रिवेट जॉइंट में प्लेटों के किनारों को बस एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और इन्हें रिविटिंग किया जाता है, इस जॉइंट को क्या कहते हैं? एक दूसरे को ऊपर रखे कर रहे हैं हम। जी सर ऑप्शन में है, बट जॉइंट है, एज जॉइंट है, लैप जॉइंट है एंड कॉर्नर जॉइंट है। सर बी ऑप्शन होगा सर, एज जॉइंट। जी सर कंफर्म है? कंफर्म है सर। नहीं कंफर्म, सही से क्वेश्चंस पढ़े। मैं फिर से समझा देता हूं कि एक रिवेट जॉइंट में प्लेटों के किनारों को बस एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और रिविटिंग की जाती है, एक दूसरे के किनारे को ऊपर रखा जाता है। कॉर्नर ज्वाइंट सर? नहीं सॉरी सर इसका पता नहीं। ये हमारा लैप जॉइंट होगा, इसको बोलते हैं लैप जॉइंट। ठीक है, ये हमने वीडियो में भी कई बार समझाया आपको कि जो लैप जॉइंट होता है उसमें क्या हो, क्या होता है, एक दूसरे को सीट को ऊपर रखकर हम जॉइंट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को ऊपर रखकर जॉइंट करते हैं। बट जॉइंट कब होता है, जब हम इसके किनारे को जोड़ते हैं। मान लीजिए ये हमारा रिमोट मोबाइल है, इसके किनारे को जोड़ेंगे वो हमारा बट जॉइंट होगा, आपस में रख के करते हैं जब। ठीक है, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं जो कि सिंपल क्वेश्चन है। जी सर चलिए ये लीजिए क्वेश्चन सामने आप स्क्रीन पर आया है। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पाइप थ्रेड का अंत वृष्ट कोण कितना डिग्री कितना होता है, ये आपको आंसर देना है। 29 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। सर 29 डिग्री। सर नहीं अभी सर ऑप्शन, सर लाइफलाइन मिलता है सर वो में। हाँ लाइफलाइन 50-50 मिलेगी, उसमें दो क्वेश्चंस, दो ऑप्शन मिटा देता हूँ और दो ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है चलो, ठीक है ये आपके सामने, आपने एक तो ऑप्शन बता ही दिया, कोई बात नहीं। ये लीजिए सामने आपकी स्क्रीन पर दो ऑप्शन आ गए हैं, सी और बी, 55 डिग्री एंड 60 डिग्री 60 एंड 55 डिग्री। सर 55 डिग्री। सर कन्फर्म है? अभी भी कन्फर्म है सर। बिल्कुल सही आंसर है। तो जो हमारा पाइप थ्रेड का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। तो अच्छा ये क्वेश्चन याद है आपको क्या? नहीं सर मैंने एक बहुत पहले आपके वीडियो में देखा था तो शायद थोड़ा याद था पर कंफ्यूज हो गया सर। कौन सी थ्रेड का नाम बताओ, पाइप थ्रेड कौन सी होती है? सर पाइप थ्रेड बटरस थ्रेड होती है शायद सर। नहीं बीएसपी, कम पता नहीं बीएसपी होती है। बीएसपी हां, ब्रिटिश स्टैंडर्ड। हां पाइप थ्रेड होती है ना? जी सर, का होता है, 55 डिग्री, वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। ठीक है
ये आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि किस जिग का उपयोग बोर लोकेशंस के लिए करते हैं? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ इसका बोर आंसर। लोकेशन के लिए हाँ जी के बोर लोकेशन पोस्ट भी जिग, चाहिए किसी और टेबल जिग, के। पोस्ट जिग एंड ट्रूनियन जिग। ट्रूनियन जिग सर ट्यूनियन जिग सर नहीं, सर इसका मालूम नहीं है सर, सॉरी सर मालूम नहीं है। तो ये हमारा होता है पोस्ट जिग। नहीं। बोर से लोकेशंस के लिए पोस्ट जिग का प्रयोग करते हैं, और आप मुझे लगता है वीडियो सही से वॉच नहीं करते। अभी आप 2 महीने से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल पर काफी सारी वीडियो है, वहां पर हमने समझाया भी है। ठीक है, जो भी लाइव क्लासेस है ना उनसे नोट्स बनाते चलो तो सारे क्वेश्चन यस याद हो सर जाएंगे। ठीक है, हाँ थैंक यू सर, मैं थैंक यू सर, हाँ ओके बाय, थैंक यू। बाय सर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है इन्फोटेक टेक्निक क्लासेस में। जल्दी से आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं धर्मेंद्र चौहान, अच्छा कहाँ से धर्मेंद्र बोल रहे चौहान हैं? यूपी मऊ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। यूपी मऊ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। अभी आप क्या करते हैं? सर भी अभी तो मैं फिलहाल जॉब कर रहा हूँ, जॉब कर रहे जॉब हैं। के साथ किसके? साथ अच्छा तैयारी। जॉब के साथ साथ आप तैयारी कर रहे हैं। और हाल ही फिलहाल में आपने कौन सा एग्जाम दिया है? वही यूपी आरबीएम का दिए हैं सर। अच्छा कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके यूपीआर में, अगर आप बता सकते एट्टी मार्क्स हो? है, 80 एट्टी मार्क्स आ रहे मार्क्स हैं। 80 मार्क्स आ रहे हैं आपके। है अच्छा सर। यस ठीक है, तो अभी आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप हमारे से कब से जुड़े हुए हैं और कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? सर, लगभग हमको 5-6 महीने हो गया आपसे जुड़े हुए, यूट्यूब पर भी अच्छा देखते हैं। बहुत अच्छे। तो हमारे जो वीडियो डालते हैं उनसे कुछ बेनिफिट मिलता है आपको या नहीं मिलता, बताइए बस। सर मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है उससे। हाँ अभी हमने आपको एलएमआरसी क्लास दी थी, यूपीआरएमएल क्लास दी थी, एनसीएल की बहुत सारी क्लासेस दी है, और उसी लेवल के क्वेश्चन ना एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो अभी एलएमआरसी का भरा था सर, एलएमआरसी का भरा था, मगर एग्जाम नहीं दे पाया, तबीयत खराब होने की वजह से जा नहीं पाया मैं वहां पे। हाँ ओहो अच्छा, लखनऊ था पेपर आपके क्या? सर, लखनऊ में था। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, और सामने आपके स्क्रीन पर आएंगे, आपको केवल उसका आंसर देना है, और एक लाइफ लाइन भी मिलेगी आपको 50-50। आप चाहे तो कोई भी क्वेश्चंस का आंसर दो हमसे जो है रिमूव करा सकते हैं, उनके दो आंसर हम छोड़ देंगे। ठीक है तो स्टार्ट ओके करें, सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पर आएगा, तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है कि पानी का दबाव बढ़ने के लिए खालिस्तान उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस में क्रॉस, रिड्यूसर, बैंड एंड यूनियन दिया हुआ है। रिड्यूसर है बी सर बी कंफर्म है आप? जी। हाँ सर, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी ही इसका राइट आंसर होगा, रिड्यूसर। रिड्यूसर का वर्क क्या होता है कि जब हमारा कोई पाइप बड़ा है एक का व्यास, यानी हमारे एक का किसी का व्यास जो है पाइप का 40 mm है, इधर 20 mm है, तो उन दोनों को वो कनेक्ट कर सकता है, तो उससे क्या होगा हमारा प्रेशर भी बढ़ जाता है ना। ये क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में अभी एग्जाम में भी पूछा गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, है ना। चलो सर ओके अगला क्वेश्चन है, लेथ मशीन से आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ेंगे कि खरात पर निम्नलिखित में से एक का उपयोग कट की गहराई देने के लिए किया जाता है, तो उस एक का नाम बताना आपको। ऑप्शंस में है क्रॉस स्लाइड बाय एडजस्टिंग एडजस्टिंग द टूल एंड टॉप स्लाइड एंड कंपाउंड स्लाइड, ये चार ऑप्शंस हैं, बताइए इसका क्या लगाएंगे इसका आंसर आप। सर, क्रॉस स्लाइड, एडजस्टिंग द टूल, टॉप स्लाइड एंड कंपाउंड स्लाइड। इसमें कंपाउंड स्लाइड होगा कंपाउंड स्लाइड होगा, कंफर्म एक बार चेक करें ध्यान से, फिर से पढ़ो क्वेश्चंस क्या होगा। कंपाउंड स्लाइड होगा। सर, जो कट की जा रहा है देने के लिए। लेथ मशीन से वर्क किया आपने कभी? हाँ सर, कारोबार किए बहुत पहले किए हैं। ध्यान से देखो क्या करते हैं हम, ऐसा क्या किस चीज से हम कट की गहराई देते हैं, फिर से याद करो, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करना एग्जाम में। क्रॉस स्लाइड होगा सर, रो कंफर्म। स्लाइड होगा। हाँ सर, हाँ सर, कंफर्म हाँ सर, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है क्रॉस स्लाइड, बट आपने पहले जो है कंपाउंड स्लाइड बताया वो गलत हो जाता है ना, कंपाउंड स्लाइड का वर्क नहीं है ये, क्रॉस स्लाइड के द्वारा हम जो है तिरछी जो है हम सामने को सामने की तरफ अपनी कट की गहराई देते हैं। ठीक है हाँ, हाँ सर। तो ये इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से देखना है।
ये लीजिए क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब जो एक से अधिक धातु को मिलाकर बनाई गई हो। ऑप्शंस में जिंक है, स्टील है, लेड है, एल्युमिनियम है। स्टील होगा सर। स्टील। हाँ सर, बी ऑप्शन। बी कंफर्म? बिल्कुल जी सर। हाँ कंफर्म सर। बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी ही राइट आंसर होगा। तो मुझे एक चीज बता दीजिए आप इसके साथ साथ कि जो स्टील है वो किस किस चीज को मिलाकर बनाई जाती है। लोहे और कार्बन से सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो लोहे व कार्बन का मिश्रण हमारा स्टील होता है, और बिल्कुल सही आपका आंसर है स्टील। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, चलो ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि कल्पना करें कि आपको एल्यूमिनियम की थ्रेड काटने के लिए आप निम्नलिखित किस शीतलक का उपयोग करेंगे। सी ऑप्शन सर, मिट्टी का तेल, केरोसिन। बहुत अच्छे, तो सी ही राइट आंसर है इसका, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। जब भी कभी एग्जाम में कहीं लिखा है एल्युमिनियम पर आपको थ्रेड काटनी है, एल्युमिनियम कटिंग करनी है, तो आपको बिना देखे केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल लगा देना है, आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है इस क्वेश्चन को देखकर कि एल्युमिनियम की अगर मुझे रिबिटिंग करनी है तो वहां पर किस मेटल की रिबिट का यूज करूंगा, बताइए। एल्युमिनियम का ही सर यूज करते हैं। एल्युमिनियम का यूज करते हैं, बहुत अच्छा। तो एल्युमिनियम की रिबिट पे एल्युमिनियम का यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। तो एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि ड्रिल मशीन्स में धातु काटते समय स्पेंडर चक्कर लगाता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो कैसे चक्कर लगाता है वो? दोनों क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों सर। कंफर्म है सी आंसर? यस सर। यस सर। नहीं, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर है। ड्रिल मशीन में धातु काटते समय जो स्पिंडल है चक्कर लगाता है वो क्लॉकवाइज लगाता है। मेटल काटने का, इसको निकालते समय एंटी क्लॉकवाइज करते हैं सर। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज निकालते समय करते हैं, है ना। तो इसका ए आंसर है, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया है और काफी आंसर आपने सही दिए, लेकिन जो आपके थोड़े इस टाइप से डाउट है ना, कंफर्म नहीं हो पा रहे उसके आंसर, ऐसे क्वेश्चंस को हम गलत कर देते हैं एग्जाम में ना, और वहीं से वो मेरिट बनती है। तो आप अपना जो फोकस है वो थोड़े ध्यान से पढ़े क्वेश्चंस को, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि हमने क्वेश्चंस पढ़ा और बस हमें लगा कि भाई इजी क्वेश्चंस है, उसका आंसर रख दिया, है ना। थोड़ा सा एक दो एक मिनट या 30 सेकंड तो क्वेश्चंस को देना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, है ना। तो अब नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरे आपको? हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी। जी सर। हाँ अब थोड़ा, शोर नहीं आना चाहिए, देखो। जी सर, आवाज आ रही है जी सर। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका नाम? सर मेरा नाम हरिओम शर्मा, मुरादनगर से सर, रावली मिलकर मुरादनगर। अच्छा, मुरादनगर से बात कर रहे हैं आप? जी सर। रावली से? जी सर। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। तो अभी जैसे कि आपने, आपको पता होगा आपने फॉर्म भरा होगा, एक सबमिट किया होगा ना, तो हम लाइव टेस्ट ले रहे हैं अपने चैनल पर, है ना। जी सर। तो आप कभी हमारे कोचिंग पर आए हैं? जी सर। आए हो? हाँ सर, एक बार आया था, अभिषेक नाम का लड़का था, और नेक्स्ट फैक्ट्री से अभिषेक। अभिषेक रेलवे में क्या हो? हाँ सर, रेलवे में है वो। हाँ, मैं उसमें विजयवाड़ा। अच्छा ठीक है, वो जानता हूँ, हमारा स्टूडेंट है। तो अभी जो है हमारी जो क्लास, जो हमने वीडियो आपसे जो कनेक्ट किया है, ये हमने आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए किया, ठीक है। तो हम जो है क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे आपको, केवल सिंपल आंसर देना। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप अभी क्या करते हो? सर मैं अभी फिलहाल हल्दीराम में हूँ। हल्दीराम में जॉब करते हैं? अभी भी जॉब पे हैं आप क्या? जी सर।
अच्छा ठीक है, तो अभी करंट में कौन सा एग्जाम दिया आपने? जी अभी यूपी मेट्रो का भी दिया सर, और यूपी आरवीएनएल भी दिया सर। मेट्रो में कितने मार्क्स आए आपके सर? 42, बहुत कम नंबर है आपके ना। चलो कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो, अच्छे मार्क्स भी आएंगे एक दिन, ठीक है। तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, केवल आपको उसके आंसर बताना है कि क्या उसका आंसर होगा, ठीक है जी सर। चलो सामने आपकी स्क्रीन पर आएंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ेंगे कि गर्म जौ को काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे बताइए। गरम जॉब को काटने के लिए सर हॉट चीजल। हॉट चीजल, ऑप्शन ए में है हॉट चीजल, बी में है कोल्ड चीजल, सी में बोथ एंड डी में है नन ऑफ दिस। तो आपने क्या बताया इसका आंसर? हॉट चीजल। हाँ जी सर हॉट चीजल। बहुत अच्छा, तो आपका राइट आंसर है ए ही इसका राइट आंसर होगा, हॉट चीजल, ठीक है बहुत अच्छा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन क्या है कि पीतल या ब्रॉन्ज के जॉब पर ड्रिलिंग करते समय कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ध्यान से पढ़ना, पीतल और ब्रॉन्ज की बात हो रही है। तो वहां पर ऑप्शंस में दिया है आपको, एयर है, केरोसिन ऑयल है और लार्ड ऑयल एंड ड्राई, ड्राई मतलब सूखा सर, एयर सर, एयर यूज होंगे, एयर यूज करेंगे जी सर। कंफर्म है जी? पीतल ब्रॉन्ज के लिए किसका यूज करेंगे, सूखी हवा का यूज करेंगे या एयर का सर? एयर का, राइट आंसर है सूखा यूज करेंगे, नहीं एयर हवा का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम डी आंसर लगाएंगे, ड्राई यानी कि सूखा ही यूज करते हैं जब हम ब्रास या पीतल पे कोई भी काम करते हैं, ड्रिलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है जी। एयर का यूज नहीं करेंगे, ऐसी कास्ट आयरन पे सूखी हवा चलेगी वहां पर, ठीक है ड्राई। हाँ ये कास्ट आयरन नहीं लिखा पर इसमें, चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और पूछते हैं जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, देख लीजिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है कि एसआई यूनिट में लंबाई की मात्रक है क्या है। ऑप्शन में एमएम यानी कि मिलीमीटर, सी सेंटीमीटर, बी में सेंटीमीटर, सी एम और सी में है मीटर, देन डी में है नन ऑफ दिस। क्या लगाएंगे इसका आंसर आप सर? मीटर में सर, सी मीटर में। कंफर्म है बिल्कुल जी सर? ठीक है बिल्कुल सी राइट आंसर होगा, मीटर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट की जो लंबाई का मात्रक है वो हमारा मीटर है, बहुत अच्छा। तो चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे एक और, जी सर ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे जो कि एक क्वेश्चन है, चलो ये लग क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है क्वेश्चंस में कि असामान्य जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो हमारे जॉब होते हैं अलग टाइप के होते हैं जिनका, तो वो हम किस चक में पकड़ेंगे। ऑप्शंस में फोर्ड चक है, थ्री चक है, कोलेट चक एंड मैग्नेटिक चक। तो यहाँ पर लेथ मशीन की बात हो रही है, असामान्य जॉब को पकड़ना है जिसका सही से कोई आकार नहीं है उसको पकड़ना है जी सर। क्या लगाएंगे इसका आंसर सर? फोर्ड चक सर। फोर्ड चक जी सर। कंफर्म आपकी तरफ से? जी सर। ठीक है बिल्कुल सही आंसर है आपका, फोर्ड चक। तो फोर्ड चक पे जो हमारे असमान जॉब होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो कास्टिंग वाले जॉब होते हैं उनको हम फोर्ड चक पे क्लाइम करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता रहता है सर। ये बुक भी सर मैंने मंगवाई सर। बहुत अच्छा, अभी तो इस बुक को भी आप साथ लेके चलते हो ना? जी सर, बैग में हमेशा रखता हूँ जब भी टाइम मिलता है तो। बहुत बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हाँ ये बुक को आप सही से पढ़ें, है ना। और इसमें ना, इसमें बुक्स कैसे बनाई हमने आपको, कंपटीशन की आपको क्विकली रिविजन करना है तो वो उसके लिए बहुत बेस्ट बुक है आपके लिए, है ना। हाँ जी सर, इससे बाकी हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन पर, वहां भी आप चाहे ज्वाइन कर सकते हो चाहे फिर आप हमारी हेल्प ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास पहुंच गया है ना। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ ओके बाय। ओके।